राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन यह अन्याय यात्रा है। 3 दिन पहले कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि जीएसटी का पैसा दक्षिणी भारत ज्यादा देता है, लेकिन उत्तर भारत पर ज्यादा खर्च होता है। यह हमारे लिए अन्याय है। वो भूल जाते हैं कि भारत एक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो अलग देश की मांग करेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई उनकी इस यात्रा पर कुल 71.80 करोड़ रुपए फूंक डाले गए। बता दें कि 145 दिनों तक चली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। कांग्रेस की इस यात्रा पर औसतन रोज 49 लाख रुपए का खर्च आया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्वाचन आयोग के पास दाखिल लेटेस्ट एनुअल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उसने 2022-23 में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर 40,10,15,572 रुपए खर्च किए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कांग्रेस पार्टी का चुनावी खर्च 192.5 करोड़ रुपए से अधिक था। राहुल गांधी की रोजाना की यात्रा पर 50 लाख रुपए का खर्च आया है। उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में प्रति किलोमीटर 1.59 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ऑडिट की इस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, जबकि 2023 की शुरुआत में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव लड़ा। हिमाचल प्रदेश में पार्टी को जीत मिली थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कांग्रेस को 4,452.30 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की माने तो पार्टी का खर्चा उसे मिलने वाली इनकम से ज्यादा है। कांग्रेस का कुल खर्च 2021-22 और 2022-23 के बीच 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 467 करोड़ रुपए हो गया है। 2021-22 में कांग्रेस की आय 541 करोड़ रुपए से घटकर 2022-23 में 452 करोड़ रुपए तक सिमट गई। पार्टी को मिलने वाले चंदे में 2021-22 के 347 करोड़ रुपए की तुलना में 2022-23 में करीब 80 करोड़ रुपए की गिरावट आई। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार करते हुए इस साल भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू की। उनकी यह यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। अभी तक राहुल इस यात्रा के तहत असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड तक घूम चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां इंडिया ब्लॉक में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। राहुल की इस न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस ने 20 जिलों में कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। वहीं वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा 11 दिनों में 20 जिलों का सफर तय करेगी और 25 फरवरी को आगरा होते हुए राजस्थान चली जाएगी। क्या कहना है ऐसे में आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।